गुड मॉर्निंग। तो हो रहा है बहुत कोहरा, बहुत ठंड है, और बीबी भी सुबह उठते ही खेल में लग जाती हैं। इनको ठंड नहीं लगती है, सबको ठंड लगती है। और आज है खिचड़ी, तो मैं जनरली थोड़ी सी कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी। वैसे तो खिचड़ी बहुत सिंपल ही बन जाती है, बट मैंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से बना लें, तो मैंने मटर टमाटर वगैरह डाल के बनाई है। प्याज मैंने नहीं डाली है क्योंकि भूख लगाना है, तो सिर्फ मटर टमाटर और हरी मिर्ची डाल के मैंने खिचड़ी बनाई है। तो अभी मैं थोड़ा मटर छील रही थी, मटर भी इतनी ठंडी हो रही है क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। आज नीचे लाइक मंदिर में भी खिचड़ी बट रही है, बट हमें तो बनानी है। और ये मैंने एक टमाटर लिया है, कुछ हरी मिर्ची और मटर। अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा तैयारी खिचड़ी की। तो चावल थोड़े से निकाले हैं मैंने, दाल मैंने धुली हुई यूज़ की है, जो बिना छिलके वाली। सोच रही हूँ कि अब थोड़ा जल्दी ये खा के फिर जाएंगे, थोड़ा देखेंगे नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा खुलता चला जा रहा है अभी, तो शायद धूप निकलेगी। और ये मैंने ले ली है थोड़ी दाल, अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाएँ थोड़ा पूजा वगैरह करके, भूख लगा के खा के थोड़ा दाबे भी खेल लेंगी नीचे। तो यहाँ मैंने कट कर लिया टमाटर, हरी मिर्ची और मटर मैंने छील ली थी, और अभी मैं खिचड़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो इतनी ठंड है इस टाइम पे कि कुछ भी करो तो हाथ चल ही नहीं रहा है, हाथ कांपते ही रहते हैं। वो अभी सारे चीज़ें डालनी है मैंने इसमें, हरी मिर्ची टमाटर, अभी थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं और बाकी सारे मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। हल्की हल्की अब धूप भी निकलने लग गई है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, तो अब तो ज़रूर ही जाएंगे नीचे, क्योंकि धूप कम ही मिल पा रही है अभी, क्योंकि फॉग इतना हो जाता है सुबह सुबह, तो धूप ही नहीं मिलती है। और ये मैंने ऐड कर दिए सारे मसाले, हल्दी मिर्ची नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे इसको, टमाटर थोड़ा सा गल जाए। और ये मैंने मटर भी ऐड कर दी है। अकेले खिचड़ी खाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया है, वरना खिचड़ी तो 5 मिनट का काम होता है, ज़रा सी देर में बन के रेडी हो जाती है, बस दाल चावल और बस घी में छौंके। बट हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है, बट बहुत ज़्यादा भी टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ मटर छीलने में ही टाइम लगा है। और ये बस 2 सीटी लगा लेंगे और खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो पहले मैंने लगा दिया था भगवान जी को भोग, उसके बाद मैंने अच्छे से इसको चलाया है ताकि सब कुछ अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से मिल जाए ये। और ये हमने खिचड़ी निकाल ली है, और घी के बिना तो कोई मज़ा ही नहीं है खिचड़ी में या फिर पुलाव में। तो ये हमने डाल दी है थोड़ी सी घी डाल दिया है, और सब लोग रेडी हो गए हैं अपनी अपनी स्पून लेके, और बीबी भी अपनी स्पून अलग लेके रेडी हुई हैं, छोटी वाली स्पून, खा कम रही हैं बिखेर ज़्यादा रही हैं। तो हम लोगों ने खा पी लिया, अब हम थोड़ा जा रहे हैं नीचे, सबसे आगे भागती हैं। और देखो धूप कितनी अच्छी हो गई है, बहुत तेज़ नहीं थी बट हाँ इतनी थी कि घूमा जा सकता है। और आज धूप निकली है तो सब लोग घर से बाहर निकल आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज नीचे, बच्चे भी खेल रहे हैं। और लाविया तो इतना एंजॉय कर रही थी यहाँ पे आके, सबके साथ खेलने का उसको मन कर रहा था। और ये इसको स्लाइड मैंने एक बार करा दिया, तो ये बार बार स्लाइड के लिए ये परेशान हो रही थी।
आज इसने पहली बार स्लाइड की है। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे आज, और ये इतना खेली हैं कि सब कपड़े भी सब गंदे कर लिए थे, और ऊपर आके इनके कपड़े चेंज किए। और आ गई हैं राबिया की मौसी, और ये देखो राबिया को मिला गिफ्ट, ये गिफ्ट मिल के खुश हो गई, और यहाँ खेल रही हैं मासी के साथ। मस्ती चल रही है, मस्ती। उसके बाद किया था मैंने थोड़ा सा हलवा गरम, हलवा बना लिया था पहले ही, बना रखा था। फिर बनाई चाय, सब लोगों ने पी चाय, बैठे सब लोगों ने बातें की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहाँ पे दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय।